सत श्री अकाल जी सारों फ्रेंड्स, आज की वीडियो दे विच आपां सिखांगे फ्रिल वाला नैक डिजाइन। इहदे फ्रिल लगाई हुई है मैचिंग कपड़े की, सलवार नाल दे कपड़े दे आपां फ्रिल बनाई हुई आ। इह जिहड़ा डिजाइन आपां किसी भी ड्रेस से बना सकते हैं। देखो इस तरीके का मैचिंग कपड़ा लैके उहदे उत्ते मैं जिहड़ा नैक आ पेस्ट कर लिया होया, बाजार वाला नैक जिहड़ा हुंदा है अपना पैकेट वाला, उहनूं मैं इस तरीके दे नाल पेस्ट कर लिया होया है मैचिंग कपड़े दे उपर। और देखो इहदे साइडां तों आपां अद्धा अद्धा इंच कपड़ा छड्ड के एक्सट्रा कपड़े की कटिंग कर लाँगे। इस तों बाद फ्रेंड्स इह जिहड़ा कपड़ा आ इहनूं आपां इस तरीके नाल उपर फोल्ड करके इतने आप एक सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने तो बाद आप जो नैक आ सेंटर कर लेना है, सेंटर मार्क कर लेंगे इस तरीके दे नाल मार्कर नाल। तो इस तो बाद आपां लैना है अपना कमीज़, कमीज़ का भी आपां सेंटर कर लेंगे। तो उस तो बाद आपां अपना जो नैक है अपने कमीज़ के नाल जोड़ना है। सब तो पहले आपां ये वाला नैक बनावांगे, उस तो बाद फ्रिल बनावांगे, ठीक है। तो देखो आपां इस तरीके नाल कपड़ा सैट कर लेंगे और जो नैक है आपां इस तरीके नाल जोड़ लेंगे। ये जो नैक है आपां उल्टी साइड तो जोड़ के सीधी साइड में पलटाउणा है, ठीक है। इस तरीके नाल आपां उल्टी साइड ते नैक जो अपना इस तरीके नाल स्टिच कर लिया होया। नैक्सट आपां अंदर वाले साइड वाला सारा कपड़ा कटिंग कर देंगे। सिर्फ अद्धा इंच कपड़ा आप छड़ना है और जोड़ा बाकी कपड़ा बचा इतने आप हल्के हल्के कट लगा लेंगे, क्योंकि अपना गोल गला है, गलाई दे पूरे तो कट लगावे तो अपना पलटन में आसानी होएगी। इस तो बाद आप सारे गले इस तरीके पलट लेना है उल्टी साइड वालू, मतलब सीधी साइड वालू। तो इस तो बाद आप एक किनारी पर सिलाई लगा लेंगे, ठीक है। ये वाली साइड पर आप एक सिलाई लगा लेनी है और इनू गले आप फिनिशिंग सैट कर लेना है। इतने आप दोबारा तो तरपाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सीधी साइड पर लगया है। एक बार तो अभी पक्की सिलाई लगा के ये जो आप गला सैट कर लेना है। इस तो बाद फ्रेंड्स आप करना है कि अपने मार्कर के नाल दो दो इंच के मार्क लगा लेने ने गले के चारों साइडों पर, ठीक है। इस तरीके ने दो इंच का मार्क इतने लगा लिया, दो इंच का मार्क आप दूसरी साइड पर लगा लिया और नीचे तो भी आप दो इंच का ही मार्क लगाना है। इतों जिथे अपना गले का सेंटर है इतने भी आप दो इंच का मार्क लगाना है। तो इतने आप गलाई दे एक शेप ड्रॉ कर लेनी है, गले के घेरे घेरे ही आप इस तरीके एक शेप बना लेनी है। तो फ्रेंड्स इतने तुम चाहो तो वी शेप भी बना सकते हो, ठीक है। तो मैं इतने गोल नैक के नाल गोल ही शेप बनाई है, तुम अपनी चॉइस के नाल कोई भी शेप इतने ड्रॉ कर सकते हो। इस तो बाद आप बनानी है फ्रिल। फ्रिल बनाने के लिए देखो मैं मैचिंग कपड़ा लिया आ, तो इनू डबल फोल्ड करके तो इतने प्रेस मार ली हुई है एक बार फोल्ड करके। तो यदि चढ़ाई मैं ली है 5 इंच, ठीक है, 5 तो 6 इंच तुम यदि चढ़ाई लै सकते हो। और इस तो बाद फ्रेंड्स तुम चाहो तो इस तरीके भी चोणा पा सकते हो, कपड़े उपर रख के चोणा पा के एक सिलाई के भी तुम इनू अटैच कर सकते हो। तो जे ये तरीका तुम्हें औखा लगे फिर आप जो फ्रिल पहला रेडी कर लेंगे और बाद अटैच करा। वह तरीका यह है कि देखो आप इस तरीके दो 3 इंच कपड़ा छड़ के फिर जड़ियाँ चोणा पानिया शुरू करनिया ने। तो फ्रेंड्स ये कपड़ा मेरे को बहुत ज़्यादा नहीं है, थोड़ा जहा कपड़ा से इसलिए मैं इस तरीके ने दूर दूर चोणा पा रही हूँ। अगर थोड़े को कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हो तो तुम लागे लागे चोणा पा लियो, वोड़ी फ्रिल होर भी ज़्यादा हैवी बनेगी, ठीक है। मैं थोड़े जे दूर दूर करके चोणा पा रही हूँ, तो इस करके फ्रेंड्स अपनी फ्रिल बहुत ज़्यादा हैवी नहीं बनी, लाइट वेट जी अपनी जी फ्रिल रेडी हुई है। तो देखो फ्रेंड्स इस तरीके मैं दो दो इंच का गैप छड़ के छोटी छोटी चोणा इतने पा के एक फ्रिल रेडी कर लिया। फ्रिल रेडी करने तो बाद आप जो अपना निशान है ये उपर रखा, तो इतने आप सिलाई लगा देंगे। इनू आप देखो गले वाली साइड में टर्न करके तो फिर सिलाई लगानी है, ठीक है। इधर वाली साइड पर आप टर्न कर लिया, अंदर वाली साइड पर तो आप पैर पैर की सिलाई लगा लेंगे, या फिर जितने आप फ्रिल बनाने वेले सिलाई लगाई सी उस सिलाई के उपर आप जी सिलाई लगा लेंगे एक्सट्रा फ्रिल की कर लेंगे कटिंग, ठीक है। ये सिलाई लग गई। ये सिलाई लगन तो बाद हूँ आप करना जी फ्रिल आप बनाई है इनू आप बाहर वाली साइड में इस तरीके ने टर्न कर लेना है, ठीक है। आप इदा सिलाई लगाई सी हूँ आप इस तरह कर देंगे सीधी साइड कर देंगे फ्रिल में। तो ये आप हूँ पैर पैर की सिलाई लगानी है। ये सिलाई जी बिल्कुल आप किनारी पर नहीं लगानी, पैर पैर की सिलाई लगावे तो जी अपनी फ्रिल आ बिल्कुल बैठवी हो जाएगी, ठीक है। तो जो आप सूट में पावे तो अपनी फ्रिल जी उपर नहीं उठेगी, बिल्कुल सैट रहेगी, ठीक है। तो देखो अपनी ए वाली सिलाई भी लग गई। तो ये सिलाई लगन तो बाद अपना नैक डिजाइन रेडी आ, तो मैं तुम दिखाई हूँ पूरा नैक डिजाइन। तो फ्रेंड्स इतने आप मैचिंग बटन भी लगा सकते हैं, मेरे को फिलहाल ये जो वाइट बटन से मैं तुम सेंटर में रख के दिखा दें। और जो तुम बटन लगाओगे अपने सूट के नाल मैचिंग करके लगायो तो बहुत ही सोहना लगता है बटन लगा हुआ। और इतने तुम चाहो तो बटन खुद बना के भी लगा सकते हो,
कपड़े का। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स अपना बहुत ही प्यारा जहा नैक डिज़ाइन बन के रेडी है। किसी भी ड्रैस के नाल तुसी ये जो नैक डिज़ाइन बना सकते हो, बच्चों के कपड़े पर भी तुसी जो नैक डिज़ाइन रेडी कर सकते हो। सो फ्रेंड्स वीडियो किवें दी लगी, चंगी लगी तो एक लाइक जरूर कर दिओ जी, चैनल पर नवे चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लियो जी, ताकि थोड़े तक साड़ी आने वाली हर एक नवी वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँच सके जी। वीडियो देखने के लिए थोड़ा बहुत बहुत धन्यवाद।